रामपुर से सपा नेता आजम खां की जमानत पर सुनवाई आज होनी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर आज सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल कोर्ट में जमानत याचिका पर रखेंगे अपना पक्ष। यहां पर शत्रु संपत्ति केस में आजम खां की नहीं हुई है अभी तक जमानत। इस पूरे मामले में देखिए आज सुनवाई होगी और इसी के चलते देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। कपिल सिब्बल कोर्ट में जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखेंगे। शत्रु संपत्ति केस में आजम खां की जमानत को लेकर आज देखिए सुनवाई होनी, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में आजम खां को जमानत नहीं मिली है। जिस पूरे मामले को देखते हुए, शत्रु संपत्ति केस को देखते हुए यहां पर आज सुनवाई होनी है सपा नेता आजम खां के इस केस में। और ओमपाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओमपाल, आज शत्रु संपत्ति मामले में भी सुनवाई होगी, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? बिल्कुल, शत्रु संपत्ति केस में आजम खान की जमानत नहीं हो पाई है और जमानत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बाकायदा हाई कोर्ट ने होल्ड पर रखा था, उसी होल्ड को लेकर जो आजम खान के लोग हैं वो नाराज हुए और नाराजगी जाहिर करते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका फाइल की। अभी दो दिन पहले ही उन्होंने याचिका फाइल की है और उस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में आज उस याचिका पर कोर्ट सुनेगी। अगर आज कोर्ट ने सुनकर फैसला दे दिया, उनको जमानत दे दी, तो आजम खान और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनके समर्थक चाहते थे कि इस बार उनकी अपने घर पर मने। लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमानत ना हो, लेकिन अब मामला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है और आज अदालत से तय होगा कि उनको जमानत मिलेगी या फिर अभी जमानत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल तमाम जानकारियों के लिए।